रहेंगे। झाबुआ जिले के मेघनगर के निजी स्कूलें नियम के विरुद्ध संचालित हो रही। स्कूल बसों को जिला परिवहन अधिकारी राजेश गुप्ता ने पूरे दल बल के साथ बसों का निरीक्षण करने मेघनगर के निजी स्कूल पहुंचे। स्कूल संचालक को आवश्यक दिशा निर्देश और हिदायत दी गई। चेकिंग के दौरान बसों में भारी अनियमितता पाए जाने पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा 4 गाड़ियों के फिटनेस व परमिट निरस्त किए। मेघनगर के निजी स्कूलों के अभिभावकों से मिल रही लगातार शिकायतों पर सोमवार को RTO ने स्कूल बसों पर कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई पर सिर्फ लीपापोती करने के RTO पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। बसों में कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे बैठाए जाते हैं। इन बसों में सुरक्षा की दृष्टि से ना ही अग्निशामक यंत्र है, ना ही महिला अटेंडर, स्कूल बस ड्राइवर की यूनिफॉर्म व क्लीनर की यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट भी नहीं है। सबसे विशेष CCTV कैमरे, स्पीड गवर्नर की कोई सुविधा नहीं है, जिसको आप साफ देख सकते हैं। लगता है नियमों को ताक में रखकर स्कूल पूर्व में हुए इंदौर हादसे की पुनरावृत्ति करना चाहता है। झकनावादा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। और अभी भी मेघनगर के स्कूल के जो है 4 सभी वाहनों को चेक करा और 4 में गंभीर खामियां पाई गई थी, तो इनका फिटनेस निरस्त किया गया सर। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर के साथ अटेंडर होना भी जरूरत है, इन बसों में अटेंडर भी नहीं रहता। विद्यालयीन वाहन जो होते हैं जिनमें बच्चे जाते हैं, खासतौर से 12वीं तक के बच्चे जो होते हैं, उनमें छात्राओं बच्चों की सुरक्षा के लिए महिला अटेंडर या महिला शिक्षिका जो अंत तक उनके साथ जाए वो होना जरूरी है। CCTV जरूरी है, GPS जरूरी है, स्पीड गवर्नर जरूरी है, जो भी सुरक्षा के मापदंड हैं जो तय किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा और समय समय पर जो निर्देश दिए गए वो सब कुछ विद्यालयीन वाहनों में जरूरी है। तो क्या कार्रवाई की गई है, किस तरह का जुर्माना बापना? वर्तमान में जुर्माने से बड़ी चीज ये है कि जो गंभीर खामियाँ इनमें पाई गई हैं उनमें 1-4 गाड़ियों के फिटनेस हमने निरस्त किया और फिटनेस के साथ संबंधित गाड़ी का जो है परमिट भी निलंबित माना जाता है। अगर ये तब तक कमियां पूरी नहीं करेंगे और दोबारा फिटनेस नहीं कराते तब तक के लिए इनका